सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन बिजनेस आइडिया में। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी फर्म का परिचय दें। मेरा नाम जमील अहमद है जी। ये अफगानिस्तान से आ रहा है जी। ये 3 लाख का पेयर होता है वैसे। ये पोर्ट है, ये फ्लावर पोर्ट तो है। ओनिक्स स्टोन। अच्छा, ये माइंस में से निकलता है। ये हिलमत प्रांत में निकलता है, काबुल में मैन्युफैक्चरिंग है इसकी जी। इसका पेयर होगा 3 लाख का। अच्छा, जोड़ा जी। और ये आगे ये उससे छोटा साइज है। उससे छोटा साइज है। ये 2.5 लाख का पेयर होगा। तो स्टोन जो सेम स्टोन है वही क्वालिटी है स्टोन की। क्वालिटी ये 2.5 लाख का है। और ये आगे जो है ये भी 2.5 लाख का। ये सेम साइज है। सेम साइज ही एक ही है। कलर ये बहुत प्यारा लग रहा है। कलर डिफरेंट आते हैं। नेचुरल स्टोन होता है जी जी। ये आया आपके 90,000 का पेयर। अच्छा, 90,000 का पेयर है जी। बहुत अच्छा। अभी हम बात करें तो ये तो फ्लावर पॉट है और ये फ्लावर पॉट ही है। ये भी फ्लावर पॉट है लेकिन डिफरेंट है। ये मटके टाइप में बना हुआ है और ये तो पूरा मटका ही है। ये भी पॉट में ही आता है। तो इसकी कीमत क्या है और इनकी कीमत क्या है? ये आपके पड़ जाएगा ये करीब ये भी आपके 2,20,000 का पेयर जी। और ये पड़ जाएगा आपके 1,80,000 का पेयर। 1,80,000 का जी। अगर हम बात करें वो ये नीचे जो रखे हुए ये क्या 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 आइटम है मैम? थोड़ा ये फूल वगैरह डालने के लिए है। अच्छा, फूल और कैंडल वगैरह जो लगाते हैं वो जी। ये है वाश बेसन। अच्छा, तो ये जो वाश बेसन है एक यूनिक आइटम कमाल की चीज है। कमाल की चीज। तो इसका रेट क्या रखा हुआ है आपने? इसका रेट है 10,000। अभी हम बात करें फ्लावर पॉट की तो कुछ छोटे फ्लावर पॉट हैं। हाँ जी, छोटे हैं। फ्लावर पॉट कम से कम आपके पास कितने का है और ज्यादा से ज्यादा कितने का? कम से कम हमारे पास 1500 रुपए का फ्लावर पॉट है। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख का है। अच्छा, 1500 से लेके 3 लाख तक के। अभी बात करें कि ये कॉर्नर आ गया, फोन रखा हुआ पुराने टाइम पर, वर्किंग है, चलता है वर्किंग। ये तो और भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि पुराने फोन तो सब ये गायब ही हो गए लेकिन आपने जो एक यूनिक चीज बनाई है। फोन है। इसका रेट क्या है? ये आपको 5,000 का पड़ेगा। 5,000। बहुत अच्छे। अभी क्या देख रहे हैं हम? ये गजराज है, हाथी है, उधर ये कछुआ है। इनके रेट क्या क्या रखे हुए? 1,10,000 का पड़ेगा सिंगल पीस। सिंगल पीस और कछुआ? कछुआ भी सेम पड़ेगा, सेम प्राइस में। अभी सर जैसे कि आगे हम देख पा रहे हैं जी, ये बुल है। बुल है, जोड़े में नहीं है, ये सिंगल है। सिंगल है। तो इसका रेट क्या है? इसका जैसे पेयर भी आता है 14,000 रुपए के करीब। अच्छा, पेयर 14,000 पेयर में। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं छोटे जार हैं। ये किस किस काम के हैं? ये यूजेबल आइटम है, अचार वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इसमें। ये आपको 1500 तक पड़ेगा। अच्छा, 1500 का। ये हॉर्स है, सेम साइज 15,000 पड़ेगा जी। अभी क्या है कि ये बोट में लगी हुई घड़ी है। हाँ। इसका रेट आपने क्या रखा हुआ? 10,000 का पड़ेगा। 10,000। इसका ये नीचे का पेडिस्टल है। अच्छा, ये 25,000 का पड़ेगा। ये बहुत अच्छे, ये सारे पेडिस्टल ही है। अभी जैसे कि छोटे छोटे आइटम है, आप वन बाई वन ये बताए कि ये चीज है और इसका रेट ये है। ये लंप है। अच्छा, ये 1500 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, 1500 रुपए का लैंप है। लाइट भी जलेगी इसमें, पूरा सब कुछ है। ये बोट में स्मॉल साइज की, ये भी 1500। ये भी 1500 टोटेज है 400 का। ये 400 का। 400 बहुत अच्छे। अब इसमें क्या है ना, बड़े बड़े ये इसमें वो तो अलग साइज है, थोड़े छोटे बड़े जानवर है, तो मछलियाँ हैं, ये जैसे छोटे डिफरेंट साइज है, तो साइज के हिसाब से प्राइस है इसका। अभी क्या है कि ये लॉइन है जी। 3 लाख का पेयर पड़ेगा। ये 3 लाख का पेयर पेयर है। ये क्या चीज है? ये एग है। ये एग किस मतलब से है? पेपर वेट के तरीके से एक्चुअली क्या, फिश टैंक वगैरह में रखते हैं ना, पार्क में, फाउंटेन के पास, तो ये बिछाया जाए तो ये बड़ा खूबसूरत सुंदर लगता है। तो ये 100 का स्मॉल साइज है, बिग साइज है 200 का। अभी जैसे कि हम ये छोटे ये करल है मेडिसिन आइटम है, मेडिसिन वगैरह कूट बना सकते हैं, लौंग इलायची वगैरह कूट सकते हैं इसमें जी। ये 400 का प्राइस रखा है इसका। 400 इससे भी अच्छा साइज है, 600 का है।
और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, देखिए 100 इलायची के लिए ये 500 का है। बहुत अच्छे, ये आगे मैं देख पा रहा हूँ तो ये एस्ट्रे वगैरह हैं। हाँ, ये एक प्लांटर है। अच्छा, प्लांटर पोर्ट है, इटालियन माल वाले। फिनिशिंग और काम बहुत हाँ। ही प्यारा है, लगता है कि मेहनत की गई है। हैंड होता है, हैंडमेड है सारा। ये ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा है, ये लटकाने के लिए। कमाल है। ये इसका रेट क्या रखा हुआ है सर? 500 होंगे। बहुत अच्छे सर। अगर अभी तो क्या है कि आप ट्रेड फेयर में आपकी शॉप लगी हुई है और यहाँ पे सारी चीजें लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं, देखो कितनी अच्छी खासी भीड़ है। लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि मतलब इतनी प्यारी चीज है और मजबूत चीज है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कांच के या और चीजें ये ऐसी होती हैं जरा सी देर में टूट गई, लकड़ी की है, दीमक लग गई, 100 तरह की बातें, लेकिन ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लोगों का देखो रुझान है कि लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इतनी छोटी चीज है क्या है। लेकिन जब ट्रेड फेयर का जो है काम यहाँ से खत्म हो जाएगा और जो है आप अपनी जगह चले जाएंगे, उस टाइम ये लोग वीडियो अगर देख रहे होंगे और उन्हें जरूरत पड़ जाएगी, एकदम मकान बनाया है कि ये लॉन चाहिए या मुझे फ्लावर पॉट चाहिए या इस टाइप का मुझे एक जो है नाव वाली घड़ी चाहिए, तो वो कहाँ से आपसे कॉन्टेक्ट करें और कहाँ खरीदे? कॉन्टेक्ट क्या है ना, अगर जरा ज्यादा सामान चाहिए, बड़ा आइटम चाहिए, तो वो हम इम्पोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा। नहीं तो हमारा ओनली एग्जीबिशन ही होता है, नेक्स्ट एग्जीबिशन हम मिल हाँ कि किसी को ज्यादा थोक में सामान हाँ, चाहिए तो या आपको जो है बड़ा कोई सामान चाहिए जी, इसमें वेबसाइट नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करेंगे। ये और पीछे इंडियन नंबर है। अच्छा, ये तो बाहर का नंबर है, ये इंडियन नंबर ये ये MD शौकत अली, इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर हमारा कोई एग्जीबिशन होगा आसपास तो हम वहाँ का देंगे। अच्छा, वहाँ का बताएंगे कि आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये तो सब बियर हाउस में पैक हो जाएगा, वहाँ से नहीं दे सकते। अच्छा, वहाँ से वहाँ हमें भी नहीं पता होता कि क्या निकलेगा कहाँ पे। हाँ, ये तो है पैक होने के बाद। तो सर आपने ये अपनी स्टोन की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।